सिवनी जिला में कॉफी टॉक रेडियो। जी हाँ, कल से 22 जनवरी को रात्रि 9:30 बजे कॉफी टॉक रेडियो शुरू हो रहा है इंस्टाग्राम पर सुराली नमा के साथ। जी हाँ, कॉफी टॉक रेडियो सिवनी जिला में। हम आपको बता दें, 18/1/2022 को इसका शुभारंभ हो गया है। सिवनी जिला के जो विधायक हैं, सिवनी विधानसभा के जो विधायक हैं मुनमुन राय, उनके द्वारा इसकी प्रशंसा की। सिवनी जिला की बेटी सुराली नेमा की उन्होंने प्रशंसा की। विधायक मुनमुन राय द्वारा कहा गया कि यह एक बड़ा काम है, सिवनी जिला में यह पहला कॉफी टॉक रेडियो प्रारंभ होने जा रहा है रात्रि 9:30 बजे सोमवार को। कल इंस्टाग्राम पर सुराली नेमा को सर्च करें और सुने मनपसंद गाने, चुटकुले, अच्छी अच्छी खबरें, जानकारियां कॉफी टॉक रेडियो के साथ, सुराली नेमा के साथ। तो फिर देखते रहिए इंस्टाग्राम पर सुराली नेमा के साथ, सर्च कीजिए कॉफी टॉक रेडियो सुराली नेमा के साथ इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सिवनी जिला में कॉफी टॉक रेडियो रात्रि 9:30 बजे। सुराली, आपने सिवनी के लोगों का एक दर्द तो दूर करने की कोशिश की है। आप उसमें मनोरंजन भी करेंगे, गाने भी देंगे, अन्य किस्म के टिप्स भी रहेंगे, लेकिन क्या खबरों का भी कोई स्थान रहेगा उसमें, ब्रेकिंग्स का? हाँ जी बिल्कुल, मैंने इसको ऑलराउंडर बनाने का पूरा कोशिश की है और करती रहूँगी। इसमें कुछ छोटी छोटी ब्रेकिंग्स रहेगी, सिवनी की दिन भर की जानकारियाँ रहेगी, वेदर फोरकास्ट रहेगा, कैसा मौसम रहेगा, आज क्या इवेंट होने वाला है सिवनी में, ये सारी कुछ चीज़ें इसमें रहेगी। जैसे हम पहले देखा करते थे कि रेडियो में हम कभी एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, सिर्फ हम चीज़ें सुनते थे और हम अपने काम में लग जाते थे। बस वैसे ही मैंने फिर से, वो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने को मैंने कुछ नया करके बिल्कुल पुराने तरीके से इसको लाने की कोशिश की है, ताकि इसको सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी इसका मज़ा ले पाए। तो मैं ये कहूँ कि सिवनी के नेताओं को आपने अंगूठा दिखा दिया? नहीं, मैं इसमें तो कुछ कमेंट नहीं दूंगी, वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने जितना भी सिवनी के लिए किया है वो बहुत ही कम है। मैं तो आदाब, मैं हूँ एम रहमान। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में कोई दीदेवर पैदा होता है। इस बात को सिवनी में चरितार्थ कर दिया हमारे सिवनी की बेटी सुराली ने, आज हमारे साथ है। सिवनी में रेडियो स्टेशन आकाशवाणी की मांग दशकों पुरानी है। यहाँ के सांसद, विधायक कई बार बदल गए, लेकिन मांग नहीं बदली, और वो मांग पूरी भी नहीं हुई। टीवी आए, टीवी का दौर आया, वो भी थोड़ा पीछे चला गया। अब मोबाइल का दौर है, दुनिया के हाथ में मोबाइल है, एक क्लिक करने से पूरी दुनिया की खबरें आंखों से देख लेता है, लेकिन रेडियो का मज़ा कुछ और होता है। इसलिए ये मांग उठती रही है, उठती रही रहेगी। हमें आश्वासन मिलते रहे सांसद से भी, विधायक से भी, नेताओं से भी, कि शीघ्र सिवनी में आकाशवाणी शुरू हुआ। लेकिन उस रेडियो की दुनिया को साकार किया है सुराली ने, चाहे वो रेडियो में न सही, इंस्टाग्राम में हो, लेकिन रेडियो का आनंद सिवनी के लोग ले सकते हैं। सुराली से मैं जानूंगा कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और ये बताएं कि इस बात की प्रेरणा आपको कैसे मिली। थैंक यू सो मच बोल इंडिया न्यूज़। मेरा नाम सुराली नेमा है, मैं एक पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ विनायक न्यूज़ मध्य प्रदेश में, और आरजे भी हूँ रेडियो वाफ्रा में।
अब ये मैंने एक नया प्लेटफॉर्म चालू करने की कोशिश करी, एक छोटी सी कोशिश है। हमारे सिवनी में अभी तक रेडियो का कोई भी माहौल नहीं था। मैं चाहती थी कि यहाँ पे रेडियो आए, स्टेशंस बने, बट कुछ भी यहाँ पे हो नहीं पा रहा था। तो इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर उम्र के लोग होते हैं, छोटे से लेके बड़े लोग होते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उस प्लेटफॉर्म को मैं एज अ रेडियो यूज़ करूँ, जो जिसमें मैं गाने सुनाऊँगी, लोगों से बातें करूँगी, कुछ हेल्थ टिप्स दूँगी, कुछ ब्यूटी मंत्र होगा उसमें।